अगर हम बात करें तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,19,80,571 है, महिलाओं की संख्या 1,04,95,171 है और थर्ड जेंडर 1,752 मतदाता है कुल। और पांचवें चरण में इस बार उम्मीद यही है कि जिस तरह से वोटर्स की संख्या बढ़ी है, कुछ और नाम वोटर लिस्ट में ऐड हुए हैं, तो ऐसे में जो रेशो होता है, हर बार जो परसेंटेज निकाला जाता है मतदान का, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को जरूर मिलेगी। और इस बार युवाओं ने भी बड़ी संख्या में अपना नाम ऐड कराया है वोटर लिस्ट में, और युवा जो कि भविष्य के निर्माता भी कहे जाते हैं, वो भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे ऐसे भी वोटर्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे इस चुनाव में, और पांचवें चरण में वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। और काफी निर्णायक ये वोटर्स होते हैं, और फिलहाल देखना होगा कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे सामने इस पांचवें चरण के भी, तब जनता का रुख किसकी तरफ गया है। और पांचवें चरण के दिग्गजों की बात करें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो कि सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं, राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोते सिंह पट्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं एक और दिग्गज सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, नंदगोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण से चुनावी मैदान में हैं, और इनके अलावा अगर हम बात करें रमापति शास्त्री जो कि मनकपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, तो कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस दांव पर है। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सदर से चुनावी मैदान में उतरे हैं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया काफी प्रचलित राम राजा भैया जो कि कुंडा से चुनाव में उतरे हैं, विनोद सरोज बाबागंज जो कि सुरक्षित सीट से चुनाव में उतरे हैं, और पांचवें चरण की एक और दिग्गज आराधना मिश्रा रामपुर खास सीट से चुनावी मैदान में हैं। और लगातार हम आपको पल पल की अपडेट्स इस पांचवें चरण की देते रहेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। और आपको बता दें कि वोटिंग शुरू हो चुकी है, 7 बजे का वक्त निर्धारित था, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। और पांचवें चरण की कुछ हॉट सीटें भी हैं आपको बता दें, और इसमें जो कैंडिडेट्स हैं जो कि काफी मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं, 48 विधायक इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, और इस पांचवें चरण में 61 सीटों पर विभिन्न दलों के 48 मौजूदा विधायक मैदान में फिर से हैं, जबकि बाकी 13 सीटों पर टिकट भी पार्टी ने काटे हैं। ऐसे में वो खुद के बजाय दूसरों के लिए प्रचार में लगाए गए हैं, वहीं कई दलबदलू नेता भी चुनावी मैदान में हैं।